नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग पर। डेयरी फार्मिंग पर किसान भाइयों, हम एक पूरी सीरीज करने वाले हैं। उसमें हम आपको ऐसे डेयरी फार्म पर भी विजिट कराएंगे जो आपका फुल्ली ऑटोमेटिक है, जहाँ पर आपका लेबर बिल्कुल भी यूज नहीं होता। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी एक किसान भाई डेयरी फार्म स्टार्ट करता है तो उसे किस किस चीजों का ध्यान रखना है, किस पशु से वो स्टार्ट करे। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। किसान भाइयों, घर पर पशु पालने में और डेयरी में पशु पालने में बहुत ही ज्यादा अंतर है। डेयरी पर जब भी आप पशु पालते हैं, वो आप इसलिए पालते हैं ताकि आप उसमें प्रॉफिट कमा सके। घर पर आप पशु जो पालते हैं, वो आप सिर्फ दूध के लिए पालते हैं। अगर आपके पास घर का तजुर्बा है लेकिन आपका डेयरी का तजुर्बा नहीं है, तो आप पहले डेयरी का तजुर्बा लें। जो किसान भाई स्टार्टिंग में डेयरी करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली ध्यान करने वाली बात यह है कि वो बड़ी डेयरी स्टार्ट ना करें। 10 गायें या भैंस आप मैक्सिमम पालें, शुरुआत में आप इससे ज्यादा गायें या भैंस ना पालें। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि अगर आपके पास 15 गायें या भैंस का आपके पास पैसा है, तो आप 10 गायें भैंस खरीदें। 95% आपकी डेयरी जो पहली बार स्टार्ट होती है, वो इसी वजह से बंद हो जाती है, क्योंकि किसान भाई जब भी पहली डेयरी स्टार्ट करते हैं, वो अपना पूरा का पूरा पैसा गाय भैंस खरीदने में लगा देते हैं, कुछ पैसा नहीं बचा पाते। जबकि जब पहला टर्म आपका खत्म हो जाता है, गाय भैंस को आपको बेचना पड़ता है, तो वो वहां पर आपको किसान भाइयों को पैसे की कमी आती है और पैसे की शॉर्टेज की वजह से आपकी डेयरी बंद हो जाती है। दूसरी चीज, अगर आपके पास 10 पशु है, उसमें से आप भैंसे कम रखें, गाय आप ज्यादा रखें। आप 3 या 4 भैंस रख सकते हैं और 6 आपकी गाय उसमें होनी चाहिए। गाय में आपका खर्चा कम आता है जबकि भैंस में आपका खर्चा ज्यादा आता है। गाय आपके लंबे समय के लिए आपकी दूध देती रहती है। गाय का दूध आपका ब्रांड आसानी से हो जाता है, जबकि भैंस का दूध आपका ब्रांड आसानी से नहीं हो पाता। गाय का दूसरा फायदा यह है कि आपका गाय का जो गोमूत्र है, उसकी भी आप बिक्री कर सकते हैं। 8 से 10 रुपए लीटर आपका गाय का गोमूत्र आप बेच सकते हैं। अब हम बताते हैं कि अगर गाय आप अपनी डेयरी के अंदर पालते हैं, तो उसका आपको नुकसान क्या है। सबसे पहला जो नुकसान है, उसका यह है कि जो आपका बछड़े होते हैं, वो बछड़ा आपका बिक्री नहीं हो पाती उनकी। आपको गौशाला के अंदर उसको आपको छोड़ना होता है, जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा पैसा लगता है। दूसरी चीज की जो आपका गाय का दूध होता है, उसके अंदर जो आपका फैट लेवल होता है, वो आपका कम होता है। तो उसका अगर आप डेयरी पे आप बेचते हैं उसे, तो आपका उसका प्राइस आपका कम जाता है। इसलिए गाय की डेयरी तभी फायदेमंद है जब आप उसका दूध ब्रांड करते हैं और उसे अच्छे प्राइस पर बेचते हैं। तो किसान भाइयों, यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि आप ज्यादा पशु ना खरीदे स्टार्ट करने से पहले। दूसरा, आप जो गाय है आपकी उन्हें ज्यादा रखे। तीसरी चीज, अगर आपके पास घर में पशु पालने का एक्सपीरियंस है और डेयरी में पशु पालने का एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल अलग होता है। चौथी चीज, आप अपने दूध को जो आपका गाय का दूध है उसे ब्रांड करें, और गाय का जो आपका गोमूत्र है उसकी भी आप बिक्री करें। ये सारी चीजें हैं अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको चीजें ये ध्यान रखनी है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आपको डेयरी फार्मिंग हाईटेक तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, वो सभी चीजें हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी किसान भाइयों तक आप यह वीडियो पहुँचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।